ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने जो थंबनेल में देखा कि आखिर में यार क्यों आया मुझे नोटिस और किस वजह से आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और देखो ऐसा है कि भाई मेरा तो चैनल है टेक का, आप सोचोगे यार ये नोटिस का इस चीज़ का सर वीडियोस क्यों बना रहे हो, दोस्तों ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियो, अगर आप इसको पूरा नहीं देखोगे तो अगर कभी आपके साथ, हालांकि मैं कहता हूँ भाई कभी किसी के साथ ना हो, बट इन केस कभी अगर किसी के साथ हो तो शायद आप बोलोगे अरे यार मैंने सर वाली वो पहले वाली वीडियो देखी होती ना, तो शायद आप मतलब ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे ऐसा होता है कि भैया कुछ टाइम पहले आपको पता मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मेरा फ़ोन जो है चोरी हो गया था, और चोरी होने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद मिला था, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 महीने के बाद मेरा वो फ़ोन मुझे वापस मिला था। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, यानी कि हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो चुका था, मुझे लगा चलो भैया मैंने FIR किया और फ़ोन मुझे मिल गया, चलो मेरे लक था कि मुझे फ़ोन मिलेगा, बट मोस्टली मैंने देखा यार फ़ोन नहीं मिलता किसी का, शायद अगर फ़ोन मिल जाए तो बहुत अच्छी किस्मत है उसकी, अगर नहीं मिलता तो लोगों के लाखों लाखों के फ़ोन आईफोन एक्सवाइज पता नहीं कितने सारे फ़ोन चोरी हो जाते लेकिन मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ मेरे एरिया के डिपार्टमेंट यानी जो पुलिस स्टेशन है जो जिन्होंने मेरा फ़ोन रिकवर करके मुझे दिया था उनका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने भी जिस तरीके से फाइंड किया और मुझे दिया मेरा फ़ोन। बट उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि चलो यार केस ही रिजॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आपको पता भी कुछ दिन पहले मैं अयोध्या गया था अपने गांव, जिस दिन मैं गया था यानी कि आई थिंक 7 या 8 तारीख थी, सैटरडे मैं यहाँ से निकला था, 8 को पहुँचा था, उसी दिन मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है अप्रोक्सीमेटली 9:30-10 बजे करीब कि भाई आपको नोटिस आई है। अब मैं हैरान कि यार नोटिस आया वो भी कोर्ट से, और कोर्ट कौन सा, 30,000 कोर्ट से नोटिस आया, मतलब 30,000 दोस्तों ये कोर्ट है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो कि बहुत बड़ा कोर्ट है, इसके अंदर पता नहीं डेली के कितने कोर्ट मतलब कितने केसेस का निवारण होता है समाधान होता है। अब मैं तो पहले आपको बताया यार जब कोई बंदा किसी चीज़ में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता ना ही कभी उसने वैसा देखा होता है तो वो परेशान हो जाता है। अब मैंने ये सोचा यार आखिर मैं ये क्यों आ गया और किस चीज़ का नोटिस है, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट मंगवाया यानी फ़ोटो मंगवाया, उसमें पढ़ा तो मेरे को पता चला अच्छा फ़ोन की रिगार्डिंग है, वो FIR नंबर मेरे को याद था तो FIR नंबर से मुझे ध्यान आ गया। तो अब मैंने क्या किया, उस नोटिस को मैंने अपने मित्र को भेजा जो ऑलरेडी उनका चैम्बर है यहाँ पे 30,000 में, मैंने उनको बोला कि सर बताइए ये क्या चीज़ है यार क्यों हुआ ऐसा, तो उन्होंने बताया कि सर ये नोटिस आपकी तब तक आती रहेगी जब तक आपका केस ये फिनिश नहीं हो जाता। तब मेरे को बात समझ में आई कि यार एग्जैक्टली लोग क्यों नहीं इन सब चीज़ों के लफड़ों में फंसते हैं और क्यों इन सब चीज़ों से दूर हटते कि भैया कम से कम कोर्ट कचहरी से सामना ना करना पड़े। बट फिर भी मैं आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, मैं सजेस्ट करूँगा कि भैया अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो प्लीज़ कंप्लेन कीजिए, क्या पता यार 0.1% चांस हो अगर आपको फ़ोन मिल जाए, फिर किसी के 50,000 किसी के 60,000 किसी के लाखों के फ़ोन होते हैं, मेरा तो हालांकि मेरे फ़ोन की कोशिश 23,000 या 24,000 के राउंड फिगर में मेरे फ़ोन की कोशिश थी, तो कहने का मतलब मेरे तो उतने में था, बाकी पता नहीं कितने लोगों का कितने महंगे महंगे फ़ोन होता बट फिर भी लोग कंप्लेन नहीं करते, लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगा, बट मैं फिर भी कहूँगा आप कंप्लेन करो, कंप्लेन करने के बाद में जो प्रक्रिया मेरे साथ हुई वही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली जब नोटिस आया तो मेरे को नोटिस की डेट थी 17 तारीख यानी कि कल की, आज है 18 कल की 17 तारीख है, तो मैं टाइम पे वहाँ पहुँचना था क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन होगा, आपको एक नोटिस मिलेगा, मैं अगर आपको नोटिस दिखाऊँ कुछ तरीके से नोटिस होगा अगर मेरे पास यहाँ पर होगा ये रहा, ठीक है तो ये मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है अभी भी, देखो इस तरीके से आपको नोटिस मिलेगा ये रहा, यहाँ पे भारत सरकार का ये पूरा जो हमारा अशोक चिन्ह है ये आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली जिला न्यायालय, हाँ न्यायालय, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से भैया यहाँ पे देखिए ये नोटिस है, ये तो मैंने आपको ब्लैंक दिखाया बट लिखा हुआ इधर है, वो लिखा हुआ मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो इस तरीके से आपको नोटिस आएगा जिसके ऊपर स्टैंप भी लिखा रहेगा कि आपके एरिया का जो जज होगा उनका स्टैंप होगा, उनका नाम होगा, कौन सा रूम में आना है वो भी होगा, किस डेट को नोटिस जारी किया वो भी होगा, किस डेट को आपको आना है, एवरीथिंग मेंशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको बस उस स्टैंप को देखना है, सारी चीज़ देखना है, उसके बाद में बाकी आप अपने RO यानी कि जो आपके एरिया के ऑफिसर हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर ये नोटिस आया है तो मुझे कितने बजे पहुंचना है। तो दोस्तों अब होता है क्या, आपको यहाँ पे समझना है कि भाई जैसे ये नोटिस आया मैं अपने टाइम पे वहाँ पहुँच गया, मात्र 2 से 3 मिनट में लेट था, बाकी टाइम पे मैं पहुँच गया था, और वहाँ पे गया तो देखा भाई भीड़ लगी हुई है, अब मेरे को तो पता भी नहीं कि एग्जैक्टली यार क्या है कैसे है और मुझे किससे बात करनी है, क्योंकि कभी गए हो कोर्ट तो तब तो समझ में आए भाई, या तो कोर्ट नहीं गए कभी, तो
अब मेरे को समझ से परे था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे। मैंने देखा एक लोग ना, बहुत सारे लोग लिस्ट देख रहे थे, यानी जो वहाँ के वकील थे वो लोग बहुत सारे लिस्ट देख रहे थे, वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई थी। मैंने देखा ये लिस्ट किस लिए, तो मैंने एक वकील साहब से पूछा, वकील साहब ने बोला सर ये लिस्ट वो है जिन लोगों की आज इस वाली अदालत के अंदर सुनवाई होगी। मैंने कहा अच्छा, तो उसमें पूरी लिस्ट देखा, लिस्ट में देखा 38 पूरी लिस्ट थी, यानी एक दिन के अंदर एक कोर्ट के अंदर एक अदालत के अंदर आप समझ लो कि 38 से 48 इतने केस की सुनवाई थी। अब मैंने बोला मेरा भी कहीं पे नाम जरूर होगा या नंबर होगा या कोई भी चीज़ होगा, तो मैंने अपने जो मेरा कंप्लेंट नंबर था उसको मैच किया तो मुझे मिल गया, तो मुझे पता चला मेरा 12वें नंबर पर है, यानी 12वें नंबर पर मुझे बताया जाएगा। तो इतने में क्या हुआ, जो हमारे एरिया के ऑफिसर थे वो भी आ गए, और एक चीज़ और आपको बताऊँ, वो चोर भी आए थे जिन्होंने मेरे फ़ोन को चोरी किया था, उन्होंने मेरे घर में से ही निकाला था फ़ोन। तो वो दो चोर थे, तो मैंने तो हालांकि उनको देखा और मुझे समझ में आया, क्योंकि जो वो ऑफिसर जो एरिया के मेरे थे वो जब मुझसे बात करते, जब उनसे बात कर रहे थे और वकील भी था, तो मैं समझ गया कि यानी इन्हीं का ही केस है और इसी के रिगार्डिंग मुझे भी बुलाया गया है, क्योंकि दोस्तों वो होता है विटनेस के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई पुलिस वाले मुझे बोलते हैं कि सर, बोलते वो सर बोलते हैं कि सर ऐसा है कि आपको देखो आ गए हो, थैंक यू सो मच, अदरवाइज ये केस आपका और आगे जाता, बट मेरे को भैया देखो नोटिस आए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, हाजिरी लगवाइए ताकि आपको किसी और तरीके का कोई दंड या कोई किसी तरीके का आपको उसके ऊपर फाइन ना लगाया जाए या कोई और चीज़ आपको डेट ना बढ़े। तो आप ट्राई करो कि यार इन सब चीज़ों से, लफड़ों से बचो सबसे पहली चीज़। बट ऐसे केस में आपको क्या करना, देखिए अब आपको क्या करना ये भी आपको समझना, जो ये नोटिस मिला, ये नोटिस, ये इसको ले जाके आपको जो रीडर साहब होते हैं, यानी कि जो जज के जो कह सकते हैं जैसे कि PM या CM के जो PA होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे रीडर साहब भी होते हैं, तो रीडर साहब जो सारा लेखा जोखा करते हैं उनको जाके आप सबसे पहले दर्ज करवाइए, हाजिरी लगवाइए कि यस मैं उपस्थित हूँ, मैं आ चुका हूँ और मैं प्रेजेंट हूँ, ताकि ये हो कि भैया जिसको नोटिस गई है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं भी जाके यही चीज़ किया और वहाँ पे जाके बताया कि भैया ठीक है मुझे नोटिस आई थी और ये मेरा आया हुआ कागज़, तो उन्होंने वहाँ पे कर दिया कि ठीक है ये लोग आए हुए हैं। अब इसके बाद में सुनवाई शुरू होती है। अब मैं भैया उसके बाद में मेरा नाम बुलाया गया और नाम गया तो मैं वहाँ पे गया, तो उसके बाद में अब जो जज मैम थी वहाँ पे, वो मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है आपको क्या इशू था आपके साथ। मैंने मैम को बताया कि मैम मेरा फ़ोन जो है घर में से चोरी हो गया था। सो फाइनली उन्होंने पूछा फ़ोन मिला या नहीं मिला, मैम फ़ोन मिल चुका है, तो कहते कि आगे आप क्या चाहते हो। मैंने बोला कि मैम बस कुछ नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस केस को यहीं पे बंद कर दीजिए, बिकॉज़ मैं तो सीधा बोला कि आप इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए, मैं केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता किसी भी तरीके से। क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है कि भाई एक आपकी जॉब लाइफ हो या आपका कोई बिजनेस लाइफ हो, तो भैया वो कोर्ट कचहरी से बचने से अच्छा है कि आप अपनी चीज़ को समझौता कर लो, दैट्स इट, कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आप अपना वक्त अपनी सारी चीज़ें उसमें जाया करोगे, उससे अच्छा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे फाइनली इस चीज़ को किया और साथ में वो रीडर साहब के पास अगेन भेज दिया गया, वो कुछ टाइप वाइप किया, पेपर बनाया, सारा चीज़ उसके ऊपर साइन किया, स्टैंप लगे, मोहर लगे, फाइल बनी, सारा चीज़ सबमिट हुआ और उसके बाद में रीडर साहब ने बोला काम हो गया। और अदालत में हमेशा इंस्पेक्टर यानी कि वो जो ऑफिसर्स वगैरह होते वो भी होते, वही फाइल लेके गए थे मेरे साथ में मुझे और बोले कि काम हो गया आपका, कोई इशू नहीं है, सब कुछ क्लीन है, अब आप बेफिक्र रहिए। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, कम से कम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार होता अगर जज साहब भी नहीं आता आपको पूरे शाम तक बैठना पड़ सकता है, कई बहुत वक्त खराब होता। बट हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई 1.5 से 2 घंटे में ही मेरा केस रिजॉल्व हो गया। तो उसके बाद में हाँ एक और आपको बताना भूल गया, उसके बाद में जज साहिबा ने जो है उन लोगों को बुलाया, वो दोनों चोर को बुलाया, उनको भी बोला कि ठीक है राजमन जी ने आपको माफ़ कर दिया, आइंदा आगे इस तरीके से कोई गलती ना हो, यही उम्मीद करते हैं आइंदा इससे ज़्यादा आपको दंड मिलेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से ये पूरा एक कार्रवाई हुई, जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक नोटिस आया। और बस आप लोग भी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा फ़ोन ऑन वगैरह चोरी हो तो कंप्लेन करो यार, क्योंकि कंप्लेन करोगे क्या पता मे भी यार मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है भाई। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये 13-14 हज़ार का फ़ोन है, अगर गायब हो जाए, एक बंदे की महीने की सैलरी होती है यार, गायब हो जाए अगर मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी कुछ नॉलेज मिलेगी, बाकी इस वीडियो से नॉलेज मिली है शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्या पता यार किसके साथ क्या इशू हो, उसको इस चीज़ देखने के बाद में उसको हौसला बढ़े कि ठीक है यार करना चाहिए, ताकि उसका भी फ़ोन उसको मिल सके। और हाँ बाकी डिटेल कैसे क्या हुआ, ब्लॉग आ चुका है राजमन ब्लॉग के ऊपर, जाओ आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कैसे सारी चीज़ें मैंने किया सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो, कन्फ्यूजन है डाउट क्लियर कर सकते हो। बस इस वीडियो को आपने इतना देर तक देखा उसके लिए तहदिल से शुक्रिया, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।
चेक कीजिए कि परमिशन के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो छेड़खानी छेड़खानी